पहाड़े ठंडो पानी सुनक तिमिठी वाणी, पहाड़े ठंडो पानी सुनक तिमिठी वाणी, छोड़नी नी लागने हो, छोड़नी नी लागने। पहाड़े ठंडो पानी सुनक तिमिठी वाणी, पहाड़े ठंडो पानी सुनक तिमिठी वाणी, छोड़नी नी लागने हो, छोड़नी नी लागने। पहाड़ में हिमालय वहाँ देव तरुणी, पहाड़ में हिमालय वहाँ देव तरुणी, देवी देव बास करनी देव भूमि कोनी, देवी देव बास करनी देव भूमि कोनी, देव भूमि छोड़ी बरे जानी नी लगनी, देव भूमि छोड़ी बरे जानी नी लगनी, छोड़नी नी लागने हो, छोड़नी नी लाग। पहाड़े ठंडो पानी सुनक तिमिठी वाणी, पहाड़े ठंडो पानी सुनक तिमिठी वाणी, छोड़नी नी लागने हो, छोड़नी नी लाग। कति बस शंभुनाथ कति नंद माई, कति बस शंभुनाथ कति नंद माई, कति बस दुर्गा मैया कति महाकाली, कति बस दुर्गा मैया कति महाकाली, देव भूमि छोड़ी बरे जानिनी लगनी, देव भूमि छोड़ी बरे जानी नी लगनी, छोड़नी नी लागने हो, छोड़नी नी लागने। पहाड़े ठंडो पानी सुनक तिमिठी वाणी, पहाड़े ठंडो पानी सुनक तिमिठी वाणी, छोड़नी नी लागने हो, छोड़नी नी लागने। चौमास को हरियो परियो पानी की बोछारा, चौमास को हरियो परियो पानी की बोछारा, आई रस ग्रीष्म ऋतु फूलों की बहार, आई रस ग्रीष्म ऋतु फूलों की बहार, जन्म भूमि छोड़ी बरे जानी नी लगनी, जन्म भूमि छोड़ी बरे जानी नी लगनी, छोड़नी नी लागने हो, छोड़नी नी लागने। पहाड़े ठंडो पानी सुनक तिमिठी वाणी, पहाड़े ठंडो पानी सुनक तिमिठी वाणी, छोड़नी नी लागने हो, छोड़नी नी लागने।
पहाड़े ठंडो पानी सुन के ती मीठी वाणी, पहाड़े ठंडो पानी सुन के ती मीठी वाणी, छोड़नी नी लागानी हो, छोड़नी नी लागानी। वाह, ये है उत्तराखंड की मशहूर लोक गायिका कबूतरी देवी। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं बदलती शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी। मैं हूं भूपेन्द्र सिंह और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हमारे साथ हैं हमारी कुमाऊं की लोक गायिका कबूतरी देवी, जिनको पूरे देश के लोग जानते हैं और खास तौर पर उत्तराखंड के लोग उनको बहुत अच्छी तरह से, उनकी आवाज के दीवाने हैं, सालों से उनको सुनते आ रहे हैं। कई बार उनको उत्तराखंड की तीजनबाई भी लोग कहते हैं, लेकिन कबूतरी देवी की अपनी खास जगह है। कबूतरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और कबूतरी जी के साथ साथ ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, कबूतरी देवी की जो बेटी है हेमंती देवी, वो भी हमारे बीच में है और वो भी बहुत अच्छी गायिका है। कबूतरी देवी की जो परंपरा है उनको वो अपने साथ लेके आई हैं और हारमोनियम भी वही अभी बजा रही हैं। तो हेमंती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और तीसरे जो साथी हैं, एक बड़ी खुशी की बात है और कमाल की बात भी यह है कि एक ही परिवार के तीन लोग हमारे बीच में हैं और कबूतरी देवी के जो नाती हैं सूरज भी हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद है और तबला बजा रहे हैं। सूरज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर गिरिजा पांडे। गिरिजा पांडे उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास के अध्येता हैं और बहुत लंबे अरसे से वो कबूतरी देवी से उनका परिचय है, उनसे मिलते रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स करते रहे हैं और उनकी जीवन के बारे में उनका एक खास तरह का अध्ययन भी है, वो भी हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि कबूतरी देवी जो अपने बारे में बताएंगी, वो भी अपने अनुभव कबूतरी देवी के जीवन के बारे में हमसे साझा करेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गिरिजा पांडे। तो आपने जो अभी हमें गाना सुनाया, उत्तराखंड का ही एक लोक गीत है, कुमाऊनी में आप गाती हैं, हमारे मन में ये एक उत्सुकता है कि आपने कब से गाना शुरू किया। अब आप मेरे ख्याल से 70 साल से आपको ज्यादा हो चुके हैं, कब गाना शुरू किया आपने और क्या याद आती है आपको? 60 साल से सीखा मैंने गाना। अच्छा, किसी ने नहीं सिखाया, मेरे माँ बाप गायक थे, वही से सीखा मैंने अपने माँ बाप से, बाहर के गाने नहीं गाते। अच्छा, सब गाते थे बहने हम। अच्छा, कितनी बहने हैं आप लोग? 6-7 बहने थे। सब गाते हैं? अब भी गाते हैं? नहीं है अब रे। अच्छा, अब नहीं? 2-3 रहे हैं बस। अच्छा, सब अच्छा। गए, कोई नहीं है। तो आपका तो पिथौरागढ़ जिला, गांव क्वितड़। गांव क्वितड़। तो अभी भी आप गांव में रहती हैं? गांव में। पिता और माँ दोनों गाते थे? क्या गाते थे वो लोग? ठुमरी गाते थे, भैरवी गाते थे। अच्छा, और पक्की पक्की चीज गाते थे। अच्छा, तो कुमाऊनी में भी ठुमरी भैरवी ये सब गाते? कुमाऊनी में पहाड़ी गाते थे, ये पसिया पहाड़ी गाते थे। अच्छा, कुछ भी गा लेते थे। कोई गीत याद है जो माता पिता गाते हैं? हाँ, ये सब गाती मैं, उनका ही गाती हूँ मैं। अच्छा, उन्हीं का गाती? हाँ, मैं उनका ही गाती। तो मैं अब गिरिजा पांडे आपके साथ आना चाहता हूँ। आप कब मिले थे कबूतरी जी से पहली बार और कैसे मिले और क्या लगा आपने, क्या रिकॉर्डिंग्स की, क्या आपने डॉक्यूमेंटेशन किया? चूंकि हम सब लोगों की एक रुचि रही है, रुझान रहा है अपने लोक संगीत को, लोक विधाओं को समझना, उसको डॉक्यूमेंट करना, उसका अभिलेखन करना, और ऐसे कलाकार जो बहुत अंदर के इलाकों में हैं, जिनके पास बहुत जबरदस्त एक तरह से हुनर है, उनको लाना और लोगों को बताना कि देखिए हमारी कितनी बड़ी थाती है, कितनी बड़ी विरासत हमारे पास है, और आज हम जब उनको भूलते जा रहे हैं अपने संस्कृति को, इन सब को, तो कैसे हम इस सारी बात को समझे। जो ये तलाश थी, उस तलाश में सबसे पहले मैंने झूसिया दमाई का अभिलेखन किया और तभी हमको ये पता चला। मैं खुद वड्डा में मेरा जीवन रहा है, मैं मुनाकोट से पढ़ा हुआ हूँ और मैं उनके गानों को भी सुनता रहा हूँ, भानुराम सुआकोटी जी के भी गानों को सुनता रहा हूँ। तो मेरे मन में हुआ कि कबूतरी जी को पहले ढूंढा जाए, संपर्क किया, पता चला कि वो क्वितड़ में हैं और अभी भी गाती हैं, तो हम लोगों का संपर्क हुआ। उमा जी ने सबसे पहले, उमा भट्ट, हाँ उमा भट्ट ने संपर्क किया और हमने कबूतरी दीदी को हम अल्मोड़ा लेकर के आए थे आकाशवाणी। किस सन की बात होगी करीब? मुझे एग्जैक्टली सन तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये कोई 15-20 साल 10-15 साल 10 साल करीब हो गया होगा इसको, 8 से 10 साल के बीच में। 2002 की बात थी, 2002 की बात है। 15 साल के हेमंती जी को देखिए कि याद है, हेमंती देवी अभी अपनी माँ कबूतरी देवी के साथ ही रहती हैं, दोनों साथ ही रहते हैं।
तो जैसे कि कबूतरी जी बता रही हैं कि उन्होंने अपने माता पिता से गाने सीखे, वो पहला जो परवरिश में जो उनको सीखने को मिला परिवार से ही मिला, तो आपको भी परिवार से ही मिला। तो कोई ऐसा गाना बताइए कि जिनको आपकी माँ सबसे अच्छा गाती हो और आपको लगता हो कि आपको भी वही गाना गाना हो और आपने उस गाने को सीखा हो, उसको सुनाइए जरा। माँ भी आपकी शायद मदद कर रही हैं, तो पहाड़ी फसया पहाड़ी या दोनों मिलके गा रहे हैं, दोनों मिलके गा रहे हैं, यही गाएंगे अपने आप गाएंगे। अच्छा, ये गाएंगे तो आपने बिल्कुल परफेक्ट कर रखा है सिखा के इनको। बहुत गाती है वो, मैं आजकल नहीं गा पाती हूँ, कम लग जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर भी आपने बहुत अच्छा गाया अभी। हाँ अलखाता लखुआ बटे फैंस चली गो धबे बंदगी मोटरी मजा रन बसी गो धबे अलखाता लखुआ बटे फैंस चली धबे बंदगी मोटरी मजा रन बसी गो हा दबे हा बे हारमोनी को रे टल हा बे हारमोनी को रे टदा हारमोनी को रे टा हावे अजोली ले पानी पियो आए फैंस चली गो दबे नीवरी नो पेट मजा रैन बसी गो दबे अरे खरा लखुआ बटे फैंस चली गो दबे बंदगी मोटरी मजा रन बसी गो जावे अलखता लखवा बटे फैंस चली गो। वाह, तो हेमंती देवी दूतरी कुतार दूतरी कुतार अब संभाली सूरत तेरी आए हैंस चली गो जावे बड़ी माजे तरह मजा रैन बसी गो जावे बड़ी माजे तरह मजा रैन बसी गो जावे अलखता लखवा बटे फैंस चली गो दावे बंदगी मोटरी मजा रैन बसी गो दावे अलखता लखवा बटे फैंस चली गो दावे बंदगी मोटरी मजा रैन बसी। वाह, आपने तो हमारे स्टूडियो में बिल्कुल रंग जमा दिया। कबूतरी देवी, आप यहाँ आई हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, और साथ में हेमंती देवी आपकी जो बेटी हैं, और आपने भी बिल्कुल रंग जमा दिया। और जहाँ पर आप थोड़ा भूल रही थी तो कबूतरी देवी आपको याद दिला रही थी। देखिए, माँ और दोस्त साथ साथ वो अपना फर्ज निभा रही थी। मुझे थोड़ा बताइए कि ये इसके जो बोल थे फैंस का, मेरी समझ में थोड़ा कम आ रहा था। पहाड़ी तो मैं पूरा जानता हूँ, लेकिन क्या मतलब है जरा? ये ना, ये पछया पहाड़ी है। अच्छा अच्छा, ये पशु नहीं बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये पशु में गाते थे। अच्छा, मेरी माँ गाती थी। अच्छा, तो ये इसका ये अंतराय ठहरा ये भी। अच्छा, अब पता नहीं ये तो क्या है।
अच्छा। अलखता जैसे अलखता लखुआ बटे फैंस चली गाँव कितने कितने अच्छे अच्छे गाँव में कैसे कैसे फैशन चल जाते। अच्छा फैशन है फैंस चली गो बहुत बढ़िया बंद हो जाता तो वो बंद हो जाते हैं वो जो फैशन। अरे वाह 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 क्या बात है मतलब फैशन आता है और फैशन चला जाता है जैसी फैशन चला गया वो भी चला गया। वाह क्या बात है क्या बात है। देखिए हमारे साथ जो है ना इतिहास के प्रोफेसर भी बैठे हुए हैं तो देखिए कैसे होता है कि वो भाषा कैसे रंग बदलती है और कुमाऊनी में कैसे वो अनुवाद हो जाती है जैसे वो लोग कलाकार की एक तरह से जो भूपेन जी वो है कि इमेजिनेशन है कि वो देखता है समाज में क्या परिवर्तन आ रहे हैं और वो उसकी कला के भीतर अपने आप आत्मसात हो जाते हैं और वो फिर उन शब्दों को चुनता है एक तरह से ये उसकी कम्युनिकेशन स्किल है वो समाज के साथ अपना संवाद स्थापित करता है और वो उन शब्दों का प्रयोग करता है जिससे वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर सके। तो ये बहुत जबरदस्त तरीका है लोक कलाकार के पास सेंस करने का कि सोसाइटी का मूड क्या है वो पहचानता है जी जी। और किन शब्दों से वो अपने बात को संप्रेषित करे। सही बात है। तो कबूतरी देवी आपके पास हम फिर से आना चाहते हैं। उत्तराखंड की और खास तौर पर कुमाऊं की कई पीढ़ियां आपको सुनते हुए बड़ी हुई हैं और हो सकता है कि सब लोग आपसे मिले न हो। आपको चाहने वाले लोग उत्तराखंड में नहीं उत्तराखंड से बाहर भी जहां जहां भी कुमाऊनी लोग बोलते हैं वो आपके बारे में जरूर जानते हैं जो हमारी लोक कला लोक साहित्य लोक संगीत में थोड़ा सा भी रुचि रखते हैं। अब मैं फिर से लौट के आ रहा हूं आपके पास में कि क्वीतड़ में आप पैदा हुई माँ बाप गाते थे तो उनसे भी आपने गाना सीखा। लेटी गांव में पैदा हुई लेटी गांव कुमाऊनी। अच्छा लेटी गांव। हाँ। तो क्वीतड़ में शादी हुई। शादी हुई। अच्छा तो ये बताइए कि शादी कब हुई और क्या किस्सा था और क्या वो भी गाते थे। हाँ वो भी गाते ही थे। नाम भी बता दीजिए और दीवानी राम पिताजी का दीवानी राम जी। हाँ तो वो भी गाते थे तो दोनों मिलके भी आप गाना गाते नहीं, थे क्यों? उनका गला नहीं था। अच्छा अच्छा मैं अकेली गाती थी। अकेली गाते वो गाने बनाने वाले थे बनाने वाले थे गाने लिखते थे वो रचनाकार थे मैं बताते थे वो गाते। अरे वाह। तो अब हम चाहेंगे कि देखिए अचानक हमें पता चला कि जो आप गाती थी उसमें से कई गाने जो दीवानी राम जी हैं उनके भी लिखे थे या वो बनाते थे गानों को अगर हमारे पहाड़ी में बोले तो बनाते थे तो कोई ऐसा गाना जो उनका बनाया हो और आपने गाया हो और आपको बहुत अच्छा लगता बहुत अच्छा लगता हो कोई ऐसा गाना अगर आपकी जो बेटियां उनको जल्दी याद आ जाएगा तो वो भी शुरू कर सकती हैं। आपको आ गया तो आप शुरू कर दीजिए। अब मैं तो सब भूल गई सब आगे बता दिया इसको सब इसने। अच्छा, लिख इनको लिया, बता मैं दिया। तो मरने के लिए तैयार थी। अच्छा इसने सब लिख लिया। हाँ अब बच गई और मैंने नहीं नहीं अभी आप काफी काफी आप जिएंगी अभी अभी हम मर जाती थी नहीं तो नहीं नहीं आपको काफी हम सुनेंगे अभी तो आप जो हेमंती देवी हैं तो दो बोल आप शुरू कर दीजिए या वही कर लें जो भी। हाँ कर दिया वो भी गा ये सब ये गाती है। नहीं आपको भी तो सुनना चाहते हैं। हाँ। यू पापी कलेजी कटी खनी लगसी झूलो का यू पापी कलेजी कटी खनी लगसी झूलो का नबास गुगुती ओ चढ़ी दफोरी घामे मा नबास गुगुती हो चढ़ी दपूरी धाम माँ यू पापी कलेजी कटी खनी लगसी झूलो का यू पापी कलेजी कटी खनी लगसी झूलो का ओ सूरती को रंगने जानो खुशापन द्वे बेरे ओ बल कलपा रेका दुखा यू पा
पापी कलेजी कटी खनी लगची झूड़ू बस घूती उजड़ी दोपहरी घामे माँ यू पापी कलेजी कटी खनी लगची झूड़ू बस घूती हो चढ़ी दपोरी खामे मा यूं पड़ा ही मन चला खारू पड़ा खोला ओ यूं पढ़ही मन चला खारू पड़ा खोला ओ भूल हमी नसी जानो बसिरना पापी कलेजी कटी खनी लगसी झूड़ू बस घूती हो चढ़ी दोपहरी घामे माँ यू पापी कलेजी कटी खनी लगसी झूड़ू न बस घूती हो चढ़ी दोपहरी घामे माँ। वाह, तो कबूतरी देवी आप बता रही कि जो आपके जीवन साथी थे दीवानी राम, उन्होंने ये गीत लिखा और वो लिखते थे और आप गाती थीं, यही आप बता रही है ना? हाँ हाँ। तो ऐसे और भी गीत होंगे, क्या वो गीत कहीं लिखे गए हैं, कहीं रखे गए हैं, या सिर्फ आपने गाए वो लिखते थे आप ही के लिए और आप ही गा देती थी? वही गाते थे, मैं तो खाली सीखती थी। अच्छा। मेरे को लिखना पढ़ा नहीं आता था। अच्छा। रास्ते में सिखाएंगे तो वहाँ गा ही लेती थी मैं। वाह, तो रास्ते में ट्रेनिंग और वहाँ जाके आप गा लेते थे। मैं आपको यहाँ पे एक प्रश्न कहना चाहता हूँ कि कबूतरी जी आकाशवाणी नजीबाबाद की बड़ी प्रतिष्ठित कलाकार रही हैं और मेरे ख्याल से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के तमाम श्रोताओं ने आपको जो खास तरह से क्षेत्रीय भाषाओं का कार्यक्रम जब चलता था शाम के वक्त आपको याद होगा उसमें कबूतरी देवी के गानों का प्रसारण, वो रेडियो का दौर भी था। वो और आकाशवाणी लखनऊ भी, सिर्फ नजीबाबाद ही नहीं, लखनऊ बम्बई सारी जगहों पे तो दीवानी राम आपके साथ रहते थे हमेशा और वो गीत वही बनाते थे। रास्ते में सिखाते थे वो। अच्छा। मैं डर के मारे सीख लेती थी। लेकिन उनकी तो जो कला है, जो उनकी प्रतिभा है, तो बहुत अच्छे कवि थे हमारे लोक कवि अभी जो आप बता रही हैं। तो आप तब तक अगला उनका सोचिए कुछ और, कि अगला उन्हीं का एक और सुनाइए हमें। हम और जानना चाहते हैं कि क्या क्या उन्होंने लिखा है, ये तो अब तक कहीं डॉक्यूमेंट भी नहीं हुआ है हमारे यहाँ, किसी ने लिखा नहीं। मेरे को नहीं दिया, जो आप सीखा है वही गाती है। अच्छा, आपकी बेटी है वो शुरू करेंगी और आप पकड़ लेंगी फिर उसको, फिर पूरा आप सुनाएंगी, फिर अंत वो करेंगी। फिर कौन सा याद आ रहा है आपको अब दीवानी राम जी का लिखा हुआ? पापा लिखते वो एकाध गाने लिखे हैं उनके जो अभी मम्मी ने सुनाया हमारे। जितने ये गाने आज पहाड़ी लोग जो भी गाते हैं वो सब मेरी नानी के लिखे गाने गाते हैं। अच्छा। अच्छा, सारे जितने भी गाने ये अभी नानी बनाती लिखे गाने हैं। तो नानी ने जो ठुमरी सी आपको सिखाई है, एक कोई ठुमरी भी सुना दीजिए फिर। हाँ, ठुमरी हो सकता है। नानी के जितने भी गाना गाती है वो तो सब नानी के गाए हुए गाती है। अच्छा, जब तक आप याद करें जो अगला गीत है, आप सोचते रहिए क्योंकि हम बहुत सारे आपसे गीत सुनना चाहते हैं। तो अब हमें ये बताइए कि आप जब आकाशवाणी नजीबाबाद जाती थी या लखनऊ या और जगहों पर, तो आपके साथ साथ आसपास और भी गायक लोग थे उस दौर में जो गाते थे, जैसे कौन कौन? जो अभी गाया मैंने ये पहाड़ ठंडू पानी, वो सुहाकोटी भानुराम। अच्छा, भानुराम सुहाकोटी गाते थे। अच्छा अच्छा, वहाँ से सीखा मैंने। हाँ हाँ हाँ। और कोई और कै संध्या झूली रहे सब उनरे सहूले। अच्छा, उनरे छ मतलब भानुराम सुकोटी। तो भानुराम सुकोटी का ही कोई एक सुना दीजिए और। शिव मर गया ना। कोई बात नहीं, वो तो हाँ जाना है सभी को।
हाँ। एक बार आना है, एक बार जाना है। हाँ, सही बात। क्या संध्या झूली रे भगे बन नीला कंठ हिमाल, के संध्या झूली रे भगे बन नीला कंठ हिमाल, के संध्या झूली रे भगे बन नीला कंठ हिमाल। श्री कृष्ण जू माटु माटु दुदिया दीना झुकियायो पिछोड़ी पियाले, माठो माठो दुदिया दीना झुकियायो पिछोड़ी पियाले, उदास मेला चाहिए रिद्धि सिद्धि को दे दियो ज्ञान, के संध्या झूली रे भगे बन नीला कंठ हिमाल, के संध्या झूली रे भगे बन नीला कंठ हिमाल, श्री कृष्ण जू कियो बसूरी कसी बाजी हरे भगवान, श्री कृष्ण जू कियो बसूरी कसी बाजी हरे भगवान, जमुना को बगन पानी थामियो जमे ना को बगन पानी थामियो न थामिनो यो उदासीमान, के संध्या झूली रे भगे बन नीला कंठ हिमाल, के संध्या झूली रे भगे बान नीला कंठ हिमाल। बहुत 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 अच्छा कबूतरी जी, काफी आप हमारे साथ गाना गा रही हैं, स्टूडियो में आई हैं और हम देख रहे हैं कि आप गाते गाते, अब क्योंकि उम्र का भी एक असर है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन हम बहुत ज्यादा आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आई और जो भी आपका जीवन बीता वो हमसे साझा कर रही हैं, और हमसे ही नहीं हमारे पूरे समाज के साथ आप अपना साझा कर रही हैं, अपना संगीत की जो आपकी यात्रा रही है। अब जहां पर मैं कबूतरी जी से पूछूंगा तो हेमंती देवी उनकी बेटी भी साथ में हैं, जहां पर आप जोड़ना चाहेंगी तो कुछ आप भी जोड़ सकती हैं। हाल के दौर में मुझे याद है कि 3-4 साल हो गए आपकी तबीयत बहुत खराब हुई थी और इंटरनेट मीडिया पर, जो इंटरनेट पर है, काफी हमारे दोस्त लोग जगह जगह से उसकी चर्चा कर रहे थे कि उत्तराखंड की जो मशहूर लोक गायिका है, उत्तराखंड के दिल की एक तरह से धड़कन है, तो उनकी तबीयत खराब है और सब लोग आपके लिए दुआएं कर रहे थे और दुआओं का असर है कि आज आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं और फिर से गा रही हैं, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो जब आपकी तबीयत खराब थी या खराब हो रही थी, उसके बाद फिर आपने गाना शुरू किया, तो पहले जो आप गाना गाती थी, पहले जो समझती होंगी गाना गाते वक्त, अब जब बाद में आप गाती हैं, तो क्या बीमारी के बाद कुछ बदलाव आपको लगता है कि ऐसा? अब गला ही नहीं है। अच्छा, गले का दिक्कत? गले का भी, फिर थोड़ा कान का भी प्रॉब्लम। हाँ। अच्छा, गले में और कान में भी दिक्कत? जैसे गाना गाती है तो बोलती है कान का सुर से मेरी आवाज चले जाती है बाहर, मुझे आवाज सुनने को, अपनी आवाज मुझे सुनने में नहीं आती है। जैसे पहले आप गाती होंगी ना, आप खुद ही अपने अंदर भी झूमने लगती होंगी, तो अब लेकिन बीमारी के बाद कुछ? अब गाने का मन नहीं करता है। अच्छा, अब कम करता है? मेरा गला ही नहीं घूमता है, ये कान में दवाई डालने से मेरा ये गला का नशा फट गया, ये सिर का नशा फट गया, कान फट गया। ओ, बहुत तकलीफ होती है मेरे को, तो ये बोलने से भी मेरे को चक्कर आ जाता, ये गाती नहीं। जी जी, तो बहुत मशीन लगा रखी है, इससे भी कुछ आवाज नहीं आती है।
तो बहुत ज्यादा अब हम वक्त नहीं लेंगे, आपके ऊपर भी ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे उससे पहले, लेकिन नहीं नहीं बता रही हूँ, मेरे को ऐसा होता है। अच्छा, अच्छा, ये मेरी लड़की गाती है गाने। नहीं, उनका हम सुनेंगे, एक दो लाइन तो मैं गा लेती हूँ। एक दो लाइन हम आपसे सुनेंगे फिर वो उठा लेंगी, क्योंकि आपको सुनना जो चाहते हैं लोग, तो उनको तो हम और लगातार सुनते रहेंगे, क्योंकि वो ज्यादा चल फिर सकती हैं अभी, है ना। एक जो गीत है आपका जो काफी चर्चा में रहता है, मैं कई जगह जाता हूँ तो लोग उसको गाते हैं, लोक गीत है वो शायद किसने लिखा होगा हमें भी पता नहीं, उसको नेपाल में भी गाया जाता है। बीच में नेपाल के हमारे दोस्त आए थे तो उनसे मैंने साझा किया था कि ये हमारे यहाँ की लोक गायिका है कबूतरी देवी, वो गाती है आज पनी जाओ जाओ, तो उन्होंने मुझे सुनाया कि नेपाल में भी उस गाने को गाते हैं। हाँ, वो मैंने गा रखा है, तब गाते सब गाते। हाँ, थोड़ा सा उसके बोल बदल जाते हैं, लेकिन वहाँ भी गाते हैं। वो भी पापा ने लिखा है। अच्छा, वो उन्होंने लिखा, सिखाते थे। अच्छा, रास्ते में सिखाते थे। तो उसको सुनाइए। आज पनी जा जा, बोल पनी जा जा, और खिंतन है जाला स्टेशन सम्मा पूजा दे मालाए, पछिला बीरा ना हो जाला। आज पनी जा जा, बोल पनी जा जा, और चिंतन है जला स्टेशन सम्मा पूजा दे मालाए, पछिला बीरा ना हो जला, पछिला बीरा ना हो जला। स्टेशन जोला टिकट लूला, स्टेशन जोला टिकट लूला, गाड़ी में भेजोला, गाड़ी में भेजोला, स्टेशन सम्मा उजरे मालाए, पछलो बीरा ना हो जोला। पनी जा जा, पनी जा जा, और चिंतन है जाला स्टेशन सम्मा उजय दे मालाए, पछलो वीरा ना हो जाला। भात पकायो बासमती को भूख लग्या खाजोला, भात पकायो बासमती को भूख लग्या खाजोला, उदास लगे की बिला पहाड़ जोला, पहाड़ जोला, पहाड़ जोला, स्टेशन सम्मा उजय दे मालाए, पछिलो वीरा ना हो जाला। आज पनी जा जा, बोल पनी जा जा, और चिंतन है जाला स्टेशन सम्मा उजय दे मालाए, पछिलो वीरा ना हो जाला, पछिलो बीरा ना हो जाला, पछिलो बीरा ना हो जाला।
वाह कबूतरी जी, तो ये हेमंती जी आप बताइए कि ये गाना तो गाने के बाद कुछ किस्से भी सुनाती होंगी, या आपको अगर याद हो तो ये गाना आपने कहीं सुनाया हो, इस गाने के बाद लोग किस किस तरह से आपसे मिलने आते थे, या कभी इस गाने के बारे में चर्चा की, लोग आपसे बोलने आते थे कि क्या गाया आपने, क्या कहा, ऐसा कुछ याद है? हा? सब आते थे इस गाने के बारे में, कोई इसी गाने को सुनने के लिए बोलते थे सब सारे। अच्छा, जितने भी अच्छा। नजीमाबाद भी पहले इसी गाने से सबसे पहले आगे बढ़ी थी। अच्छा। पहाड़ों को ठंडू पानी और ये आज पानी जाऊ इससे आगे बढ़े, और मैं भी कहीं मन से करती हूँ तो मुझे भी इसी गाने की फरमाइश होती है कि आप यही गाना। अच्छा, उनकी बेटी है तो यही गाना पड़ेगा आपको। तो गिरिजा पांडे है हमारे बीच में, आप बताइए कि ये जो गाना सुनते हैं आप, जो हमारा समाज है कुमाऊं का, इसमें नेपाली और कुमाऊनी दोनों मिक्स हैं, और कबूतरी देवी जहाँ रहती हैं और जहाँ उनकी परवरिश हुई, जहाँ उन्होंने गाना सीखा, तो इस गाने के बारे में क्या कहेंगे, जरा कमेंट्स आप बताइए संक्षेप में हमें। भूपेन जी देखिए, कबूतरी देवी जी जिस गांव में रहती हैं कीतड़, और वो पूरा का पूरा इलाका का महाकाली जिसको हम रीजन कहते हैं वो इलाका है, काली नदी की घाटी है, पिथौरागढ़ जिला और उस पार बैतड़ी नेपाल का जिला, दोनों संस्कृतियां, आज हम उसको नेपाल और भारत कह रहे हैं ना, लेकिन पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, सोर था, सीरा था, उधर ड्यूटी अंचल था, ये सब समाज एक ही थे, इन सारे उनको तो भाषा का आदान प्रदान भी हो रहा था, अपनी संस्कृति का आदान प्रदान भी हो रहा था। और आप देखिए पश्चिमी नेपाल जो है अपने यातायात के लिए भारत के इन हिस्सों पे ही निर्भर था। तो ये सारे गीत हैं कि वो व्यक्ति निकल रहा है, जा रहा है, अपने इलाके से बाहर निकल रहा है, उसको अपने इलाके की याद आ रही, तो एक तरह का नॉस्टैल्जिया है, ये सारी चीजें उसमें रिफ्लेक्ट होती हैं। और जो शब्दावली है और जो भाषा है, जो लय सुर हैं, उसमें आपको महाकाली या काली घाटी के वो तमाम बिंब दिखाई, वो जीवन अभिव्यक्त होता है, बहुत अच्छा। सम्मा पूजय दे मलाई, बहुत तो अच्छा। ये मलाई है ना, ये नेपाली एक तरह से शब्दावली। काफी हमारी आज की ये एक इंटरेस्टिंग महफिल है जिसमें कबूतरी देवी हमारे बीच में है, उनकी बेटी हेमंती देवी हैं, और उनके नाती सूरज हैं, सूरज भी हमारे बीच में है, और गिरिजा पांडे आप हैं, एक तरह से दो पीढ़ियां का कबूतरी जी की यहाँ पर एक साथ आज स्टूडियो में है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी, मैं हूं भूपेंद्र सिंह, और आज मेरे साथ हैं उत्तराखंड की मशहूर लोक गायिका कबूतरी देवी, और मैं पहले आपको बता चुका हूं कि उनकी बेटी हेमंती देवी और नाती सूरज भी हमारे साथ में है। तो मैं फिर लौट के कबूतरी जी आपके पास आना चाहता हूं, और आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपने अपने माता पिता से गाने सीखे, आप सात बहनें थी, भाई कितने थे आप लोग? एक भाई थे, तो भाई क्या गाते नहीं थे? नहीं, भाई नहीं गाते थे, तो सात की सात बहनें गाती थी। अच्छा, सात बहनों के बाद अब जो आपकी अगली पीढ़ी है, अगली पीढ़ी में कितने लोग जो संगीत की ये यात्रा है, संगीत की परंपरा है आपके परिवार में, इसको जारी रखे हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए अपने परिवार में। वहाँ के क्या बताऊँ, वहाँ कोई है ही नहीं। अब आपके परिवार में तीन लोगों के अलावा कोई गाना नहीं गाता है? नहीं, नहीं, एक लड़का और है छोटा वाला मेरा। अच्छा, आपका लड़का है? इसका गाता है। अच्छा, मेरे मायके में तो कोई नहीं है गाने वाले, सब गए। बहुत अच्छा, भाई है तो ये डुआ घाट में रहता है, आपके भाई गाता नहीं है? अच्छा, कोई नहीं गाते हैं, उसके बच्चे अच्छा। नहीं गाते हैं। और आपके बेटे, आपका एक पोता पवनदीप, किसका आपका पोता? हाँ, है बहन का लड़का हुआ मेरा। आपकी बहन का लड़का है, वो भी गाता है, वो कुमाऊनी भी गाता है? कौन गाता है? हाँ। कुमाऊनी भी या सब गाता है? सब गाता अच्छा है। सब गाता है। हाँ हाँ, आप कुछ बता रही थी, आपका बेटा क्या गाता है? वो भी सीख रहा है नानी से। अच्छा, सीख रहा है। पवनदीप राजन जो आपके नाती का नाम है, पवनदीप ने जो अभी वॉइस ऑफ इंडिया में जो चुने गए थे, जिस वजह से टेलीविजन में आने की वजह से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार मिला, और आप मेरे ख्याल से संगीत की परंपरा तो कहीं न कहीं आप ही से गई होगी। हाँ। सीखा तो इन्हीं से होगा? हाँ, मेरे से भी सीखा उसने, अपने बाप से भी सीखा। अच्छा, उनके पिताजी भी गाते हैं? उनके भी परिवार के सब गायक हैं। अच्छा अच्छा, उनके परिवार में भी गायक हैं, पूरी खानदानी गायक है। अच्छा अच्छा अच्छा, कबूतरी जी को हमने काफी गाने उनसे सुन रहे हैं, उनको थोड़ा दिक्कत भी हो रही है गाने में। मैं कबूतरी जी से एक चीज और जानना चाह रहा था कि आपके गानों में कई बार देवी देवताओं का, देवभूमि का ये ज्यादा जिक्र आ रहा था, भगवानों का, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने प्रेम के गीत, जो हमारे जीवन के गीत
गीत होते हैं, प्रेम के गीत हैं, क्या वो गीत आपने कम गाए, भगवानों के ज्यादा गाए कि या वो भी गाए आपने? ये मेरे कक्के ससुर ठहरे उनके हैं ये गाने। अच्छा, वो कौन है? भानुराम सुकोटी जी। अच्छा, भानुराम सुकोटी आपके ससुर लगते थे रिश्ते में? अच्छा अच्छा, हम सबके। अच्छा अच्छा अच्छा, तो नहीं, प्रेम के जो गीत हैं, जैसे इसमें प्रेम का कुछ अंश आता है, जैसे कि आज पनी जाओ जाओ वाले में है ना, तो बाकी आपने देवी देवताओं वाले गाए थे, तो प्रेम के कोई और गीत हैं जो कुमाऊनी में, महिला के विरह के गीत, दुख के गीत, या ऐसा कोई याद आ रहा है आपको? याद अगर आ रहा हो तो आप सुनाइए। कोई बात नहीं, कबूतरी जी पानी आप जारी रखिए, कबूतरी जी पानी पी रही हैं, बोल रही कि गला सूख गया है और वो खुश हैं आज। पहले वो थोड़ा सा बोल रही थी कि उनको झिझक सी हो रही थी, अभी वो खुश नजर आ रही हैं और उनकी खुशी को देख के हम भी सारे लोग खुश हो गए हैं। सुनाइए। गाने के लिए तो खुशी ठहरी, वाह, तकलीफ हो जाती है ना। हाँ हाँ हाँ, समझते हैं, परेशान हो जाती है। जी जी जी, चलिए आखिरी गाना, उसके बाद हम विदा लेते हैं। बरस दिन को पहलो मैं ना आई जू भेटलिया, मैं ना आई जू भेटलिया, मैं ना बरस दिन को पहलो मैं ना, बरस दिन को पहलो मैं ना आई जू भेटलिया, मैं ना आई जू भेटलिया, मैं ना मैं बोलो नी काना, मैं बोलो नी काना, मेरी जू जू झुराए जाना, मेरी दिन को पहलो मैं ना, बरस दिन को पहलो मैं ना, आयो इजू भेटोलिया मैं ना, आयो इजू भेटोलिया मैं ना। घाट तरान छे ना जुल घाट तरीलो, राम घाट तरान छे ना जुल घाट तरीलो, इजुते संगे की बेला मजूरी मरेलो, मजूरी मरेलो, मजूरी मरेलो, मेरी जू मजूरी मारे जू मैं झूरी मारे लो, बरस दिन को पहलो मैं ना, बरस दिन को पहलो मैं ना, आयो इजू भेटलिया मैं ना, आयो इजू भेटलिया मैं ना। गाजर कपूरा बल्द गोठ गाजल गाये, गाजर कपूरा बल्द गोठ गाजल गाये, खाल में रूपसी भैंसी समझन आए, मैं जारूं लोबाना, मैं जारूं लोबाना, गाय भैंसी उदासी जाना,
गाई भैंसी उदासी जाना वर्ष दिन को पहलो मैं ना वर्ष दिन को पहलो मैं ना आयो इजू भेट लिया मैं ना आयो इजू भेट लिया मैं ना। वाह, आयुजू भेटोलिया मैना। तो कबूतरी जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमसे ढेर सारी अपनी जिंदगी के बारे में बातचीत की और साथ ही ढेर सारे अपने गीत हमें सुनाए। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ ही हेमंती जी, आप भी हमारे स्टूडियो में आई माँ के साथ में, और सूरज आप भी हमारे साथ में आए, और गिरिजा पांडे भी हमारे साथ में थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपने श्रोताओं से भी विदा लेता हूँ। मैं हूँ भूपेंद्र सिंह और 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी, सुनते रहिए हेलो हल्द्वानी। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।